हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना सातवीं फेल व्यक्ति भी, दसवीं फेल व्यक्ति भी नहीं। उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, पर उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ जाए। आप में भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़े होंगे, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो, एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है, दोनों में अंतर है। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है, आइसक्रीम, कई रेसिपी बुक निकाली उसमें पढ़ा, दूध को उकालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर, वेनिला डालो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर एक घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार थी, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया, उसमें लिखा था एक घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो, जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी आई, वो तो सास विद्वान थी बिचारी जो दो घंटे तक इंतजार करी, तीन घंटे इंतजार करी, एक दिन इंतजार करी, क्यों रही आइसक्रीम नहीं बनाई, और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा, सास ने पूछ लिया ये घंटा किसने रखा, मम्मी बुक में लिखा था एक घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है, सास भोजन बनाना जानती है और बहू हमसे कहेंगे आज महाराज तुमने हमको उधेड़ दिया, ये गलत बात है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे तुम हमारे तुम्हारे ऊपर मत लो, हम तो अपनी बात है, नहीं आता विद्वान ना बनना, भगवान की सेवा में बिल्कुल विद्वान बनना, आराधना में बिल्कुल विद्वान बनना, भगवान की भक्ति में बिल्कुल विद्वान मत बनो, हाँ हमें कुछ नहीं आया, मीराबाई ने खुद ने लिखा, मीरा भाई रे बोलो बोलो जम के बोलो, बावरी, बावरी का मतलब क्या होता है, अरे लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलोनी समावे, मेरो एक ही मंत्र मान के गुरु मेरो समरत, मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समझे, कौन मीरा को सबसे बड़ा अहंकार था, मीरा राणा के घर की बहू थी, अहंकार मीरा को नहीं था, मीरा राणा के घर की बहू, ये मीरा को अहंकार नहीं, मेरा पति अच्छा मीरा को अहंकार नहीं, मैं सुंदर इसका अहंकार नहीं, मेरे यहाँ दौलत बहुत उसका अहंकार नहीं, मीराबाई को अहंकार था, एक मुझे एक बड़े अभिमान के गुरु मेरो समरथ, एक बार भरी सभा में मीराबाई ने कह दिया मेरा गुरु समरथ है, इतने में किसी ने खड़े होकर कह दिया मीरा काय का गुरु तेरा, तेरा गुरु चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाने वाला, तेरे गुरु चर्मकार हैं, मीरा पति है मेरा गुरु चर्मकार है, इसलिए तो ये पूरे चमड़ी के शरीर को भी संवार कर परमात्मा के काबिल बना देता है, वो रविदास जी, वो
वो संत रविदास जी हैं, जिस जब चमड़े का जूता बनाना जानते हैं तो इस चमड़े के शरीर को भी संवारना जान, वो रविदास, वो तो दुनिया